तो सूप बनाने से पहले हम सब वापस। तो लीजिए, तैयार है अटरली डिलीशियस एंड सुपर सुपर नगर। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बॉल, पिलियल बॉल। तो लीजिए, तैयार है सो फ्लेवर की। जैसे ही विंटर की शुरुआत होती है, वैसे ही डिनर में सैलेड की जगह सूप ले लेता है, पर रोज रोज वही टमेटो सूप पी के बहुत ही बोर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम आज बना रहे हैं हरिस्सा एंड पम्पकिन सूप। तो सूप बनाने से पहले हम हरिस्सा पेस्ट बना लेंगे, और ट्रस्ट में ये जो हरिस्सा पेस्ट बनती है ये इतनी फ्लेवरफुल होती है और बहुत ही वर्सेटाइल होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये लाल वाला कैप्सिकम लिया है, और इसको हमें फ्लेम पे जलाना है। जैसे कि हम बैंगन का भरता बनाते हैं, तो बैंगन को जिस तरह से जलाते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। ये बेल पेपर तो चार्ड हो चुका है, अभी मैं इसको एक बोल में रख लेती हूँ और इसको तुरंत ही ढक्कन लगा के हम छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। अभी ये बेल पेपर के हम छिलके निकाल लेंगे और फिर इसको चॉप कर लेंगे, और अब हम इसके टुकड़े कर लेंगे। और बस हम इसको ऐसे रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि फाइनली हमें इसको चॉपर में ही घुमाना है। तो अब हरिस्सा पेस्ट बनाने की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे साबुत वाला धनिया और जीरा लिया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून है, और ये माइल्डली रोस्टेड है। सबसे पहले हम इसको कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। अब ये कोर्सली ग्राइंड किए हुए धनिया और जीरे में मैं ऐड कर देती हूँ 3 कली लहसुन की। 1 बड़ा चम्मच टमेटो पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर टमेटो पेस्ट नहीं है तो आप 1 टीस्पून जितना टमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। अब ये मेरे पास भिगाई हुई 6 से 7 कश्मीरी लाल मिर्च है साबुत वाली, हम वो भी ऐड कर देंगे। अब जाएगा ये चार्ड किया हुआ रेड बेल पेपर। हरिस्सा पेस्ट जो होती है ना, वो स्पाइसी और टैंगी होती है। कलर के लिए मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। 1 नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल जाएगा, और लास्ट में जाएगा नमक। और बस अब सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। हरिस्सा पेस्ट तो बनके रेडी है, इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। ये जो हरिस्सा पेस्ट होती है ना, ये काफ़ी स्पाइसी, टैंगी, गार्लिकी होती है, और धनिया और जीरे का जो उसमें स्वाद होता है वो एकदम इंडियन टेस्ट से काफ़ी मिलता जुलता होता है। इसीलिए हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और ऑफ कोर्स स्मोकीनेस तो इसमें है ही, और ये काफ़ी वर्सेटाइल भी होती है। आप इसको सूप में, सैलड में, एज ए ड्रेसिंग, एज ए डिप, या फिर स्प्रेड कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसको मेरी अनगिनत रेसिपी में यूज़ करती हूँ। तो चलिए अब सूप बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ, आप बटर भी ले सकते हैं। ऑयल में मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज सौते कर लेती हूँ। जैसे ही प्याज हल्का हल्का सा सौते कर ले, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये हरिस्सा पेस्ट, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 टेबलस्पून जितने ऐड करेंगे। और अब जाएगा पम्पकिन, जिसको मैंने क्यूब्स में कट करके रखा है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम है। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, जस्ट रिमेंबर कि हरिस्सा पेस्ट में भी नमक है। और अब थोड़ा सा पानी ऐड करके हम पम्पकिन पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि ये एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। एक बार चेक कर लेते हैं, पम्पकिन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, बस अब हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं। और अब ये मिक्सचर को हम मिक्सी में पीस लेते हैं। सूप तो चन होके रेडी हो चुका है, बस अब लास्ट एक और बार हम इसको गरम कर लेंगे। और बस ये सूप में मैं लास्ट में ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा कोकोनट मिल्क। आप कोकोनट मिल्क की जगह पे चाहो तो क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए सूप तो बनके रेडी है, फटाफट से प्लेटिंग करते हैं गर्मा गर्म सूप की।
और ये सूप के ऊपर हम ड्रिजल कर देंगे कोरिएंडर ऑयल। ये धनिए को मैंने पीस लिया है ऑलिव ऑयल के साथ, थोड़ी सी हरी सा पेस्ट भी, और लास्ट में थोड़े से रोस्टेड पम्पकिन सीड्स। तो लीजिए, तैयार है अटरली डिलीशियस एंड फ्लेवरफुल हरिसा एंड पम्पकिन सूप। और ये टोटली वीगन है और आप इसे एज ए मील रिप्लेसमेंट भी ले सकते हैं। ट्रस्ट मी, सारे के सारे सूप ना इस सूप के आगे फीके हैं। मस्ट 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 ट्राई रेसिपी इन दिस विंटर सीजन।